मेरे भाई साहिल की कपड़ों की दुकान थी, जहां शादी ब्याह के जोड़े मिलते थे। ज्यादातर लोग साहिल भाई की दुकान पर जाया करते थे, जिन्हें शादी ब्याह के जोड़े लेने होते थे। मोहल्ले वालों को भी उनकी दुकान का पता था। किसी के घर में शादी होने वाली होती तो साहिल भाई की दुकान पर खरीदारी के लिए जाना पसंद करती थी, क्योंकि उनके सिर्फ अच्छे संस्कार ही नहीं थे, बल्कि वह सबकी बहुत इज्जत करते थे। अपने मोहल्ले वालों को कपड़े कम रेट में ही दे देते थे, यह बात सबको पता थी, इसलिए वह अपने इलाके में मशहूर थे। उनकी उम्र 24 वर्ष थी। मां ने उनके लिए बहुत सी लड़कियां देखी, लेकिन साहिल भाई मना कर देते, उन्हें कोई लड़की पसंद नहीं आती थी। एक दिन एक लड़की उनकी दुकान पर आई, उसने कुछ कपड़े खरीदे। पहली बार कोई लड़की मेरे भाई को पसंद आई थी, मगर वो उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे कि कौन है और कहाँ रहती है। 2-4 दिन बाद वह फिर दुकान पर दोबारा आई, उसने कुछ दुपट्टे खरीदे, शायद उसके घर में किसी की शादी थी। इस बार वह ऐसी बनी समरी हुई थी कि अनिल भाई उस पर मर मिटे। जैसे ही वह खरीदारी करके दुकान से बाहर निकली तो उन्होंने अपने नौकर से कहा, इसके पीछे जाओ, देखो लड़की कहाँ रहती है। नौकर तो हुक्म का गुलाम था, वो मोटरसाइकिल पर लड़की के पीछे चला गया। मगर ये क्या, वह तो करीबी मोहल्ले से आई थी और मोहल्ला हमारा अपना मोहल्ला था, नौकर भी उसी मोहल्ले का रहने वाला था। उसने देखा कि वह लड़की एक घर के अंदर चली गई है। उसने वापस आकर बताया, साहिल भाई लड़की हमारे मोहल्ले में रहती है, घर जो बेचा जा रहा है ये लोग उसी घर में रहते हैं, शायद वह घर इन्होंने खरीद लिया है। यह बात सही थी, उस गली में हमारे मामा रहते थे, जो हमारे घर से अगली गली के एक मकान में रहते थे। उनके घर के बराबर वाला मकान एक साल से खाली पड़ा था, जो बेचा जा रहा था, और अब उसमें नए लोग आ बसे थे। एक दिन मामी के साथ मैं और मम्मी उनके घर गए। वो लड़की हम लोगों से बहुत अच्छी तरह से मिली, उसका नाम महक था। उसने बताया कि वह अभी पढ़ रही है, उसके भाई की शादी होने वाली है। तभी वो साहिल भाई की दुकान से शादी के जोड़े की खरीदारी करने गई थी। उसकी माँ भी बहुत अच्छी औरत थी। हम लोगों की खूब आवभगत की। खैर 2-3 घंटे बाद हम घर वापस आ गए। साहिल भाई को पता नहीं था कि हम महक के घर आए हैं। एक दिन दुकान पर जाते हुए उन्होंने महक को घर से निकलते देख लिया, वो कॉलेज जा रही थी। अब उन्हें पता चल चुका था कि वह की समय घर से निकलती है। यह खड़े देखते रहते और ठीक महक के टाइम पर वह घर से बाहर निकल जाते, और इस तरह दुकान पर जाते वो हर सुबह उसका दीदार कर लेते। दिन गुजरते गए, महक की पढ़ाई खत्म हो गई और वो घर बैठ गई। लेकिन यह बात भाई को नहीं पता थी। जब वह घर ही बैठ गई थी तो उसका दीदार किस तरह होता। साहिल भाई रोज सुबह दुकान जाते हुए सांस रोके उसके घर के दरवाजे को देखते रहते, जो बंद ही रहता, फिर ठंडी सांस भरकर आगे बढ़ जाते। माँ ने महसूस किया कि साहिल भाई को चुप सी लग गई है। माँ ने बेटे की उदासी को महसूस किया तो पूछा, क्या बात है बेटे, क्यों परेशान रहते हो। बेटे ने जवाब न दिया, माँ के सवाल को टाल दिया, बस इतना कहा कि आजकल कारोबार मंदा चल रहा है। एक दिन फिर माँ ने बात छेड़ दी कि साहिल उम्र निकली जा रही है, कब शादी करोगे, या उस वक्त जब सर के बाल सफेद हो जाएंगे। मैंने तुम्हारे लिए कितनी लड़कियां देखें, तुम्हें कोई पसंद नहीं आती। माँ, जब मुझे पसंद आएगी तो मैं मना नहीं करूँगा। कोई है तो बता, मैं अभी चली जाऊंगी उसका हाथ मांगने के लिए। साहिल भाई ने ठंडी सांस लेकर कहा, वो नए पड़ोसी आए हैं ना, उनके घर जाकर लड़की देखो। वो भाई की बात सुनकर कुछ देर के लिए तो खामोशी हो गई, फिर बोली, मैं उनके घर जा चुकी हूँ, मैंने महक को भी देखा है, अच्छी लड़की है, मगर नए लोग हैं और बिल्कुल अजनबी है, समझ में नहीं आ रहा रिश्ते की बात कैसे करूँ। लेकिन फिर बेटे की खुशी उसमें पाकर उन्होंने हिम्मत की और
उनके घर महक का रिश्ता साहिल भाई के लिए मांगने चली गई, मगर वहां से मना हो गई तो माँ मायूस होकर घर लौट आई। साहिल भाई दुकान से आए तो माँ से पूछने लगे क्या जवाब मिला। माँ ने बताया कि मना कर दिया है। उन्होंने भाई एकदम खामोश हो गए, ऐसे चुप हुए, किसी से बात न करते थे और न ही मजाक तो क्या 10 बार सवाल करो तो एक में जवाब मिलता था। जैसे महक के घरवालों का इनकार उनकी जिंदगी का रोग बन गया था। कुछ दिन गुजरे के महक के घर से मिठाई का डब्बा आ गया, उसका रिश्ता तय हो गया था। मैं यह देखने गई कि वह खुश है कि नहीं, वह बहुत खुश थी। जैसे उसे उसकी ख्वाहिश के मुताबिक जीवन साथी मिल गया हो। उसका होने वाला जीवन साथी पढ़ा लिखा और बाहर मुल्क से खूब दौलत कमाकर लौटा था। मैंने साहिल भाई को समझाया कि महक की शादी की तारीख रखी जा चुकी है, इसलिए अब वह उसका ख्याल दिल से निकाल दे। बचपन में ही उसकी बात पक्की हो चुकी थी। ऐसे मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। दुनिया में महक से ज्यादा अच्छी और खूबसूरत लड़कियां मौजूद है। हम और किसी लड़की को ढूंढ लेंगे, शादी तो नसीबों की बात होती है। ऐसे में दिल को गम लगाने से क्या होगा। मगर मेरा भाई एक ऐसे रोग में शामिल था जिसका कोई इलाज नहीं था। और सबसे बुरी बात तो ये थी कि बेचारी महक को भाई की इस एकतरफा मोहब्बत का पता भी नहीं था। वह तो अपनी खुशियों में मगन थी। शादी की तारीख तय हो चुकी थी और उसका मंगेतर बार देश से शादी के लिए घर आ गया था। उसको भी महक पसंद थी और ये उसके बचपन का प्यार था। वह खुशी से निहाल था। महक खूबसूरत और संस्कारी लड़की थी, अपने माँ बाप की लाडली बेटी, जिन्होंने उसके दहेज के लिए हर चीज खरीद रखी थी और कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। शादी का दिन आ गया तो महक की माँ ने मेहंदी के लिए सभी मोहल्ले वालों को बुलावा भेजा। पड़ोसी होने के नाते हमें भी उनकी खुशी में शामिल होना था। मेहंदी की रस्म बहुत ही धूमधाम से हो गई और अगले दिन जब विदाई थी तो महक को 16 सिंगार करके दुल्हन बनाया गया। वो बिल्कुल परी लग रही थी। उस पर इतना रूप चढ़ा था कि ऐसी आसीन दुल्हन मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। ढोलक की ताल पर रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी, तभी शोर उठा, दूल्हा बारात लेकर आ गया है। वो किसी राजकुमार की तरह नजर आ रहा था। रस्मों के बाद दूल्हा अपनी दुल्हन को विदा करके ले गया। शादी से अगले दिन शाम के वक्त दूल्हे के साथ उसके दोस्तों ने एक पार्टी रखी हुई थी। फिर ये सब कारों में निकल पड़े। जाते हुए रास्ते में उन्होंने कार रोक ली और एक बड़े होटल में पार्टी करने लगे। एक घंटे बाद वह दोबारा घर की तरफ आने लगे। दूल्हे की कार सबसे आगे थी। अभी थोड़ी यात्रा तय हुई थी कि बदकिस्मती से कार का अगला टायर फट गया और कार पलट गई। सर पर गहरी चोट लगी। महक के पति की मौके पर ही मृत्यु हो गई। बाकी लोगों को भी चोटें आई, मगर वह जानलेवा न थी। मरहम पट्टी करने के बाद ठीक हो गई। महक उधर दुल्हन बनी बैठी थी, सहेलियों के झुरमुट में हंस रही थी, जबकि सहेलियां और हम उम्र रिश्तेदार लड़कियां उसे हंसी मजाक कर रही थी। तभी दूल्हे की मौत की खबर मिली। महक और उसके घरवालों पर ये खबर कयामत बनकर टूटी। शादी वाले घर में खुशी की बजाय मातम छा गया। खबर सुनते ही महक बेहोश हो गई। उसे फौरन अस्पताल ले गए, जहां वह 2 दिन बेसुध पड़ी रही थी। महक के पति का अंतिम संस्कार किया गया, जिसके इलाके के बहुत लोग आए हुए थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा था। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि हकीकत में यह सब हो गया है। अपने पराए एक दिन पहले ही उसकी शादी की दावत खाकर गए थे। दोनों घरों में कयामत जैसा नजारा था। तीसरे दिन महक के पापा उसे अपने घर ले आए। मायके आकर महक को बिल्कुल चुप लग गई। वो ना खाती थी ना पीती थी। उसके मुंह में जबरदस्ती कुछ लुकमे डालने पड़ते थे। वह घर में किसी से बात तक भी नहीं करती थी।
मैं और मम्मी उसके हाल चाल पूछने गए तो हमसे उसका गम देखा न गया। ऊपर वाले से प्रार्थना कि ऊपर वाला उसे यह गम सहने का हौसला दे और ऊपर वाला किसी की बेटी को ऐसा दिन ना दिखाए, मेरा बस नहीं चल रहा था। वरना मैं तो सोच रही थी कि किसी तरह उसका दुख बांट लो। जब साहिल भाई को बताया तो उन्हें और ज्यादा दुख हुआ, मगर मौत का किसके पास क्या इलाज, वक्त बदलते पता नहीं चलता। 3 साल गुजर गए, आखिरकार माँ ने साहिल भाई को शादी के लिए तैयार कर लिया, क्योंकि माँ की बीमारी बढ़ती जा रही थी और अब उन्हें बहू की जरूरत थी। मेरी भी शादी हो चुकी थी, माँ अकेली हो गई थी तो भाई शादी के लिए मान गए, लेकिन साहिल भाई की शादी एक बहुत अच्छी लड़की से हो गई। भाभी का नाम सोनिया था। बहू के आने से माँ की सेहत बेहतर हो गई। वह इतनी अच्छी लड़की थी कि आते ही सबके दिलों में घर कर लिया। ऊपर वाले ने बेटा दिया तो सोनिया की मोहब्बत मेरे भाई के दिल में जाग गई। दोनों पति पत्नी प्यार से रहने लगे। एक दिन महक कुछ कपड़ा लेने भाई की दुकान पर गई। उसकी हालत ऐसी थी कि पहचानी नहीं जा रही थी। उसकी माँ उसके साथ थी। भाई साहिल उसे देखकर अफसुर्दगी के समंदर में डूब गए। अगले दिन हम उसके घर गए, माँ ने प्यार किया तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। माँ ने महक को गले लगा लिया, वो फूट फूट कर रोने लगी। मेरी भी आंखें छलक पड़ी, वह अपने कमरे में चली गई तो मैं भी उसके पीछे उसके कमरे में चली गई। तसल्ली देना चाहती थी मगर मेरे पास कोई शब्द नहीं है। खामोशी से उसके ठंडे हाथों को अपने हाथों में पकड़कर बैठी रही। घर आकर जब हमने साहिल भाई को बताया तो उन्होंने नम आंखों से ऊपर वाले से प्रार्थना की, हे ऊपर वाले, महक को सब्र और सुकून दे और उसके पति की आत्मा को शांति दे। सोनिया ने भाई से पूछा कि क्या कह रहे हो आप और किसके बारे में कह रहे हो। वो बोले, कुछ नहीं, एक दोस्त के लिए मैं ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा हूँ जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तब मैंने भाई भाभी के सुकून भरे चेहरे की तरफ देखा, सोचने लगी, वाकई खुशी और गम भगवान की तरह से होते हैं। सादियां नसीबों से होती है और जोड़े आसमानों पर बनते हैं। दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।